लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मशहूर अभिनेत्री पेरिजाद जोराबियां रविवार की सुबह जब मुंबई से लोनावला के लिए जाने वाली 100 कारों की महिला कार रैली को झंडी दिखाने पहुंची तो वहां 79 साल की राजकुमारी कासलीवाल स्टीयरिंग संभाले देख दंग रह गईं। पेरिजाद ने ड्राइवर दादी के साथ वक्त बिताया और दादी की इस दौरान बस एक ही शिकायत रही कि इस रैली का फॉर्मेट ऐसा है कि मैं फर्राटा नहीं भर सकती। वह बोली, स्टीयरिंग हाथ में हो तो फिर एक्सीलेटर पर कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल है। ड्राइवर दादी 19 साल की उम्र से लॉन्ग ड्राइव पसंद करती रही हैं। मुंबई से लोनावला तक हर साल होने वाली इस रैली का महिला दिवस पर आयोजन काफी आकर्षक और रोचक रहा। पुलिस की दो टीमें भी इस रैली में शामिल हुई और पूरे देश में करीब 5,500 किमी का सफर अपनी मॉडर्न थ्री व्हीलर पर पूरा कर आई पैट ब्रेथवेट भी इस रैली में एनजीओ गूंज का समर्थन करने पहुंची। पहियों पर भारत भ्रमण करना ब्रेथवेट का सपना रहा है और ये सफर रविवार को मुंबई में पूरा करके वे काफी रोमांचित नजर आईं। रैली टू वैली नाम के इस आयोजन में 400 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये रैली मुंबई के मोटरस्पोर्ट्स कैलेंडर का पिछले 6 साल से अहम हिस्सा रही है। शहर की चौड़ी सड़कों और पतली गलियों से निकलने वाली ये रैली नरीमन पॉइंट के NCPA से शुरू होकर लोनावाला के अम्बे वैली तक जाती है। रैली में 100 के करीब कारें शामिल हुई। इनमें से कुछ का लुक भी प्रतिभागियों ने बदल रखा था। प्रतियोगिता में शामिल इन कारों में से एक कार का थीम LGBTQ कम्युनिटी की आज़ादी का दिखा। महाराष्ट्र पुलिस की दो कारें इस रैली में शामिल हुई जिन्हें पुलिस की महिला कर्मी वर्दी में ही चलाती दिखी। इन कारों ने सड़क सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का भी प्रचार किया। महिलाओं की आज़ादी की झांक की पेश करती एक कार को नाचते मोर की भी शक्ल दी गई थी। वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस सालाना रैली के बारे में एसोसिएशन के चेयरमैन नितिन दोसा ने बताया कि इसका आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग के बारे में जागरूकता जगाने के लिए किया जाता है। साथ ही रैली के दौरान सड़क सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के संदेश भी दिए जाते हैं।